मैं संगीता भटिया आप सभी का स्वागत करती हूँ। बिल्कुल सही पहचाना आपने, ये चाउमीन ही है और बहुत ही हाइजीनिक, बहुत ही टेस्टी है। रेस्टोरेंट में जाकर तो आप इस चाउमीन को खाना भूल ही जाएंगे, 5 मिनट में ये बन के तैयार हो जाती है। तो कुछ टिप्स को फॉलो करेंगे तो बहुत ही टेस्टी ये चाउमीन आपके घर पे बन के तैयार होगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नूडल्स बॉयल करने के लिए उबलते हुए पानी में हम डालेंगे नमक, साथ में जाएगा थोड़ा सा कुकिंग ऑयल और नूडल्स। इसे हमने 4 से 5 मिनट तक के लिए उबालना है। नूडल्स को हमने 80-90% तक बॉयल करना है। 4-5 मिनट तक बॉयल करने के बाद आप देखेंगे इस तरीके से जो पानी है काफ़ी स्टार्ची हो जाता है। गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे। एक नूडल को थोड़ा प्रेस करेंगे, इजीली ये टूट रही है, यानी कि हमारी जो नूडल्स है वो बॉयल हो गई है। अब इसकी ओवर कुकिंग रोकने के लिए हम इसे स्ट्रेनर में निकाल के और अच्छे से ठंडे पानी, साफ पानी से धो लेंगे। नूडल को मैंने साफ पानी में धो लिया है। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल और इसे मिक्स कर देंगे ताकि नूडल्स जो है वो खिली खिली रहें, आपस में चिपके नहीं। बॉयल की हुई नूडल्स में जब आप ऑयल डाल के रख देते हैं तो आप देखिए किस तरीके से खिली खिली नूडल्स हमें मिल जाती हैं। तो इस प्रकार से हमने लेनी है नूडल्स। अक्सर ये शिकायत रहती है कि घर पे चाउमीन में वो टेस्ट नहीं आ पाता है। कारण रहता है कि हम चाउमीन को बिल्कुल ठेले वाले स्टाइल में बनाते हैं, इस वजह से नहीं आ पाता है। आज आप इसे मेरे स्टाइल से बनाइएगा, यानी कि आप जब मेरे स्टाइल से बनाएंगे तो रेस्टोरेंट वाले स्टाइल भूल जाएंगे। यहाँ मैंने लिया है सोया सॉस, तो वो थोड़ा हम नूडल्स में ही डालेंगे, बहुत ज़्यादा हमें नहीं डालना है। मैंने लिया है हॉट एंड चिली सॉस। हॉट एंड स्वीट सॉस आप चाहें तो चिली सॉस और टमाटो केचप दोनों का ही इस्तेमाल कर सकते हैं, और वाइट विनेगर। इन तीन चीज़ों को हम पहले ही नूडल में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ में इसमें हम डालेंगे नमक। और आप हाथ की हेल्प से नूडल्स को अलग अलग करते हुए इसमें अच्छे से टॉस कर लीजिएगा। इसकी दो एडवांटेज आपको मिलेगी, एक तो आपको प्रॉपर कलर दिख जाएगा कि कितना कलर आपको चाहिए। जितना आपको कलर डार्क चाहिए तो आप इसमें सोया सॉस को और ऐड कर सकते हैं, बट मुझे ये परफेक्ट लग रहा है। दूसरा, जब हम सॉसेस कढ़ाई में डालते हैं तो वो प्रॉपर अच्छे से मिक्स नहीं हो पाती और जल्दी जल्दी चलाते चलाते नूडल्स जो है वो गीली लगने लगती हैं और वो मार्केट वाला जो टेस्ट रहता है ना वो नहीं आ पाता। तो इस तैयारी को आप पहले ही कर लेंगे तो आपके नूडल्स बाजार से भी अच्छे बनेंगे और आप बाजार से नूडल्स खाना बिल्कुल ही भूल जाएंगे। बढ़िया चाउमीन बनाने का सेकंड टिप है वेजिटेबल। वेजिटेबल को जितना बारीक आप चॉप कर सकते हैं उतना बारीक आपने इसे काटना है। मैंने यहाँ लिया है प्याज और उसके अलावा शिमला मिर्च और पत्ता गोभी, जिसे मैंने आप देख रहे होंगे बहुत ही पतले पतले स्लाइसिस में कट किया है। थर्ड टिप जो ध्यान रखना है, कढ़ाई जो है वो पूरी तरह से गर्म कर लेना है। जितने भी चाइनीज फूड रहते हैं वो एकदम गर्म तेज आंच पे बनते हैं, तो हमारे पास जो कढ़ाई है वो चाइनीज वाली नहीं है। घर में नॉर्मली जो कढ़ाई रहती है उसी कढ़ाई में हम बना रहे हैं, तो कढ़ाई को हमने पूरा अच्छे से गर्म करने के बाद उसमें डाला है थोड़ा ऑयल। अब जाएंगे इसमें वेजिटेबल्स। गैस की फ्लेम हाई ही रहेगी और 1 मिनट के लिए हमें इसको सौते करना है। ध्यान दीजिएगा, हमने हाई फ्लेम पे ही इसे सौते करना है। सब्जियों का जो क्रंच है वो नहीं जाना चाहिए। जैसे ही सब्जियों में से कच्चापन खत्म हो जाएगा तो हम डाल देंगे जो हमने नूडल्स तैयार की हुई है ना उन्हें। अब बारी है नूडल्स डालने की। फ्लेम जो है
है वो हाई ही रहेगी। उसके कुछ सब्जियों को मिक्स कर लेंगे और गैस को कर देंगे बंद। तो हमारी टेस्टी, यमी और बाजार से भी सुंदर ये चाउमीन बनके तैयार हुई है। आप जब इसे एक बार बना के खाएंगे तो आप बाजार से जाके चाउमीन तो खाना बिल्कुल ही भूल जाएंगे। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा।